राजद में उठापटक के बाद कल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे, उसके बाद छात्र अध्यक्ष की नई नियुक्ति की गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव पार्टी से फिर से नाराज दिखने लगे। उन्होंने ट्वीट पर जगदानंद सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो फैसला लिया गया है वह पार्टी के संविधान के खिलाफ है। इसके बाद तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि तेज प्रताप यादव नाराज चल रहे हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी में जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो सब कुछ ठीक है। पटना से अजय कुमार की रिपोर्ट। पार्टी में क्या चल रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति है, पार्टी का मजबूतीकरण कैसे हो, विस्तार कैसे हो, तेज प्रताप जी नाराज चल, चाहे जाति जनगणना को लेकर हो, विधानसभा में हो, पार्टी तो मजबूती से जनता का तेज प्रताप जी नाराज लग रहे हैं। सबकी अलग अलग राय है, ठीक है, आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे, सब कुछ हम है तो ठीक कर ले, चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेडीयू ये जानना चाह रहा है कि ये प्रवासी नेता कौन है, कौन जानना चाह रहा है, नहीं जानना चाह रहा, जदयू को तो जनता बाढ़ ने त्राहिमाम कर दी है, वहाँ ध्यान माइक उपाव किया, कुछ इस पर कहना नहीं, लोग तो अपना काम करते रहे, काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को बीत जा रहे हैं, और ऐसी कोई विवाद को नजर आ नहीं रही है। तेजस्वी जी, लंबे समय तक अगर नाराजगी चलेगी तो काफी ये दिक्कत होगी आजादी के लिए, आपको नहीं लगता है? क्या चीज का? अगर नाराजगी लंबे समय तक रहती है तो दिक्कत होगी फिर? किसकी नाराजगी? नाराजगी जो दिख रही है, हम आपको ये कह दिए जी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो खत्म हो गई बात। ठीक, चलिए।